नूरुलैन साहबा, मोहम्मद एहसान साहब के लिए आपने दुआ के लिए कहा, अल्लाह उनको फजल फरमाए, मोस्ट स्पिरिचुअल एंड इन्फ्लुएंस ट्रांसमिशन, बहुत शुक्रिया नूरुलैन साहबा। इशफाक साहब ने सवाल किया कि मोबाइल में किसी किस्म का गेम खेलते हुए जिक्र कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत बड़ी गफलत की बात है कि आप कोई शख्स, मैं बादशाह की बात करूँ तो आज बादशाह होते नहीं हैं, ठीक है ना। चलो एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूँ कि वज़ीर आज़म के दरबार में खड़े हुए हैं और वहाँ पे आके गेम खेलना शुरू कर दिया तो कितनी बड़ी बदतमीज़ी है वज़ीर आज़म के साथ ही है, कितनी बड़ी गुस्ताखी है वज़ीर आज़म के साथ। और वज़ीर आज़म की क्या हैसियत है, 5 साल भी पूरे नहीं होते उससे पहले उसको ठुड्डा लग जाता है। कल जो है बड़े बंगलों में रह रहा था वज़ीर आज़म, हाउस में रह रहा था, अगले दिन वो जेल में पहुँचा हुआ होता है। उसकी ये हैसियत है, मगर उसके अदब के अंदर कहते हैं कि भाई उसके सामने यार फालतू बातें मत करना, बेअदबी हो जाएगी उसकी। प्रोटोकॉल्स है उसके। तो तुम अल्लाह ताला को क्या समझ रहे हो कि अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह को याद कर रहे हो और बार बार कर रहे हो ए रब ए रब ए रब, अल्लाह को पुकारते हो। यानी ये तो वही बात होगी जो वो छोटे बच्चे करते हैं कि घरों के बाहर जो बेल बजाते हैं और भाग जाते हैं, फिर बेल बजाते फिर भाग जाते हैं। अरे भाई, तुम जब अल्लाह को एक दफ़ा पुकारते हो या रब, तो 10 दफ़ा तुम्हें जवाब देता है, या आबदी, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे, हाँ मेरे बंदे। तो गफलत के साथ नहीं करना चाहिए। सही बात है।